ग्रुप 16 एलिमेंट्स को क्या, इनको जैसे उनको ग्रुप 14 15 एलिमेंट्स को हमने बोला था बेटा पिनाकोजेंस, क्या बोला था उनको? पिनाकोजेंस। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स को ऐसे ही बोलते हैं हम कैल्कोजेंस, यस और नो? व्हाई दे आर नोन एज कैल्कोजेंस? वेरी गुड, बिकॉज दे आर ओर फॉर्मिंग। ग्रुप 16 एलिमेंट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओर्स होते हैं, कैल्कोजेंस। बताओ एग्जाम्पल बताओ। देखो कार्बोनेट ओर होगा उसमें ऑक्सीजन होगा या नहीं होगा? ऑक्साइड ओर होगा उसमें ऑक्सीजन होगा, सल्फाइड ओर में सल्फर होगा, यस और नो? यस सर। बोलो बेटा। yes, तो हम क्या बोल सकते हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट्स दे आर नोन एज कैल्कोजेंस बिकॉज दे आर द मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओर्स। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे पीबीएस, पीबीएस का क्या नाम है, गैलेना, HGS, सिन्नाबार, ZNS, जिंक ब्लेंड, इनमें सल्फाइड ओर है, सल्फर प्रेजेंट है, Fe2O3, हेमेटाइट, Fe3O4, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट ओर, Al2O3.XH2O। देखो सब में प्रेजेंट है ना बेटा कोई ना कोई, किसी न किसी फॉर्म में। जिप्सम CSO4.2H2O, POP CSO4.5H2O, इप्सोम सोल्ट मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7H2O, कैलेमाइन कॉपर पाइराइट, जिंक, ये जिंक ऑक्साइड, इसमें सब में इनके ग्रुप 16 एलिमेंट्स मैक्सिमम में प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स में अपने पास कौन कौन आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। अब इनके अंदर जो एक और खास बात है कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के ऊपर कौन सा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है? ऑक्सीजन। किस किस की फॉर्म में पाया जाता है? देखो अर्थ के ऊपर बेटा वाटर होता है बहुत सारा, तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है नहीं होता? मिट्टी होती है बहुत सारी, मिट्टी के अंदर मैक्सिमम क्या होता है? सिलिका, SiO2। पेड़ पौधे होते हैं नहीं होते? पेड़ पौधों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। देखो जितने भी ट्रीज हैं उनमें सब में कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन है या नहीं है? और O2 की फॉर्म में भी होता है एटमोस्फियर में, O2 गैस की फॉर्म में, यस और नो? यस सर। देखो जो भी सॉल्ट्स होते हैं उन सॉल्ट्स से फिर डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में तो होता ही होता है ये। सेकंड मोस्ट अबंडेंट बताओ, इज द फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, सेकंड मोस्ट अबंडेंट बताओ कौन होगा? सेकंड सिलिकन होता है बेटा, थर्ड होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी, तो एल्यूमिनियम को हम फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल बोल सकते हैं। फोर्थ होता है आयरन, आयरन के बाद फिफ्थ होता है कैल्शियम, उसके बाद सिक्स्थ होता है सोडियम, सेवेंथ सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, कुछ रह गया क्या? कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन हो गया फोर्थ, कैल्शियम फिफ्थ, सिक्स्थ सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद सिक्स सेवेंथ एट्थ मैग्नीशियम के बाद आता है पोटेशियम। ये एलिमेंट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इनकी परसेंटेज अबंडेंस है ये अर्थ क्रस्ट के अंदर। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं ऐसे तो, लेकिन ये मैक्सिमम इनकी परसेंटेज अबंडेंस है, फिर अलग अलग उनकी परसेंटेज और कम होती चली जाती है धीरे धीरे फिर। तो देखो इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशंस क्या होगी ग्रुप 16 एलिमेंट्स की? जनरल आउटरमोस्ट कॉन्फिगरेशन होगी NS2 NP4, ये आउटरमोस्ट कॉन्फिगरेशन है, वहाँ पे N इज द पीरियड नंबर, राइट? अब देखो जैसे अपन बात करें ऑक्सीजन की, ओ
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोलो बेटा, 8 में 8 ऐड कर दो, 16 में 18 ऐड करो, 34 में 18 ऐड करो, 34 में 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 52 और 52 में वो ऐड करो 32, 84 में 32 ऐड कर दो, 84 में 32 ऐड करोगे तो 116 होता है ना, इसके नीचे आएगा। तो देखो ये इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसकी जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट हो जाएगी 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4, और इसकी होगी 7s2 7p4, राइट। इनके आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन, ये चार पी में होंगे और दो एस में होंगे, तो टोटल इट मेक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके बाद देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं इनकी पीरियोडिक एंड ये एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इनको आपको सबको ग्रुप 15 से कंपेयर करते हुए चलना है, ग्रुप 15 और इनके नेक्स्ट अगले वाला हो जाएगा ग्रुप 17। तो एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट बेटा एटॉमिक रेडियाई, बताओ एटॉमिक रेडियाई क्या होगा इसमें, से कम बोलो बेटा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, टॉप टू बॉटम शाबाश इंक्रीजेस, और क्या बोल सकते हैं हम एटॉमिक रेडियाई इनकी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, और ग्रुप 15 से छोटे होंगे और ग्रुप 17 से बड़े होंगे, यस और नो, यस सर, यस सर, यस। एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम क्या होगा बेटा एटॉमिक रेडियाई इनका, तो बेटा इसकी फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, एटॉमिक साइज, बताओ एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम क्या होगी, देखो ओ स्टाइल से टीपो, तो टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अब देखो सल्फर से सेलेनियम तक और टेल्यूरियम से पोलोनियम तक, यहाँ से यहाँ कंसिडरेबल इंक्रीज होगी, यहाँ से यहाँ होगी, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज इज लेस, यहाँ पे भी इंक्रीज इज लेस, तो वाई ऊपर वाले में आ जाएगा बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ थ्री डी, उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F एंड दैट फिनोमेनन इज नोन एज लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, राइट, दिस इज लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड दिस इज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ये लगेगा इसके अंदर कंसेप्ट एटॉमिक साइज के अंदर, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, और यहाँ सल्फर से सेलेनियम तक इंक्रीज कम होगी, फिर टेल्यूरियम से पोलोनियम तक, तो ऊपर वाले में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और नीचे वाले में ड्यू टू लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद ये बोल सकते हैं कि एटॉमिक साइज, और ये एटॉमिक और आयनिक साइज के लिए भी यही होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। अब देखो ग्रुप 15 की साइज
is greater than group 16 elements and group 16 elements greater than group 17 elements in their respective period. उसके उनके रेस्पेक्टिव पीरियड में ये होगा कि 15 तो बड़े होंगे 16 से, 16 बड़े होंगे 17 से. यस और नो? बिकॉज लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है ना ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव. बिकॉज लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस. Due to increase in Z effective, right? उसके बाद second, देखो बेटा second property है ionization enthalpy. Top to bottom क्या हो जाएगा? Decrease. Top to bottom decreases because of the increase in atomic size. फिर वो कह सकते हैं कि सल्फर से सेलेनियम तक जो डिक्रीज है वो कम होगी और फिर सेलेनियम टेल्यूरियम से पोलोनियम तक वही आ जाएगा रीजन उसके अंदर 3D और 4F लिखो या रहने दो. बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन साइज हाउएवर ये कह सकते हैं बिकॉज हाउएवर द डिक्रीज इन सल्फर से सेलेनियम तक लेस एंड टेल्यूरियम से पोलोनियम तक तो वो किसकी वजह से आ जाएगी बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन एंड लेंथ राइट कॉन्ट्रेक्शन. अब देखो ग्रुप 15 जो ग्रुप 15 की आई ज़्यादा होगी ग्रुप 16 से जबकि होनी चाहिए थे ग्रुप 16 की एंड ग्रुप 16 आई इज लेस देन ग्रुप 17. तो देखो ग्रुप 17 से तो लेस है बेटा क्यों 16 की बिकॉज साइज ऑफ ग्रुप 16 इज ग्रेटर देन ग्रुप 17 और यहाँ पे ऐसा क्यों है बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन इन ग्रुप 15. हाफ फील्ड पी सबसेल राइट पी सबसेल की हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन की वजह से ऐसा होगा इसमें. बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? यस सर. हाफ फील्ड पी सबसेल की वजह से. अब देखो ये बोल सकते हैं इसमें कि सेकंड जो आई होगी सेकंड आई ऑफ ऑक्सीजन विल बी मोर देन सेकंड आई ऑफ ग्रुप 15. यस सर. यस सर. व्हाई? सेकंड आफ्टर ग्रुप 15 और ग्रुप 17 बिकॉज आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन. ग्रुप 16 एलिमेंट्स क्या अटेन कर लेंगे बेटा इसके अंदर हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेंगे राइट. बोलो क्लियर है नहीं सबको? यस सर. उसके बाद ये आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट इसमें थर्ड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. तो ये कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस एंड ई एन ऑफ ग्रुप 16 इज ग्रेटर देन ग्रुप 7 ग्रुप 15 एंड ई एन ऑफ ग्रुप 16 इज लेस देन ग्रुप 17 इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड इनके रेस्पेक्टिव पीरियड के अंदर राइट.
जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन को कंपेयर करना हो तो ऑक्सीजन तो 16 का है, फ्लोरीन 17 का है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी फ्लोरीन से। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करना है तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी और उसका रेस्पेक्टिव कौन हो गया, नाइट्रोजन। Yes, समझ गए बेटा, कोई डाउट है इनमें किसी को? नो सर। उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात, डेंसिटी। डेंसिटी वही आएगा ग्रुप 15 की, जैसे टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, बिकॉज इंक्रीज इन मास इज मोर देन द इंक्रीज इन वॉल्यूम। मास में इंक्रीज, वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। टॉप टू बॉटम बिकॉज इंक्रीज इन मास इज मोर देन द इंक्रीज इन वॉल्यूम। मास में इंक्रीमेंट वॉल्यूम के कंपेरिजन में ज़्यादा इंक्रीज होगा बेटा, इसलिए उसकी टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ जाएगी, राइट। फिफ्थ इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक नया फैक्टर ऐड कर दिया हमने इनमें, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसेस एटम। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस when electron is added to the outermost outermost shell of an isolated gaseous atom, right। आप देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम, ये कह सकते हैं कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। When electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom, देख बेटा अब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो ये कह सकते हैं हम टॉप टू बॉटम बिकम्स लेस नेगेटिव। टॉप टू बॉटम बिकम्स लेस नेगेटिव, तो क्यों होगी लेस नेगेटिव, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन साइज। लेकिन देखो इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की लेस नेगेटिव होगी सल्फर से, टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव होती है तो सल्फर की लेस नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन सल्फर की क्या होगी मोर नेगेटिव, और ऑक्सीजन की क्या होती है लेस नेगेटिव। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑक्सीजन के पास देखो 6 इलेक्ट्रॉन है और सल्फर के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई ऑन सल्फर, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी हाई होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस रिपल्शंस, न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्सेस।
repulsive force. So to overcome those repulsive forces, उन repulsive forces को overcome करने के लिए some amount of energy absorb हो जाएगी ना, yes, some amount of energy absorb होगी, तो जो released energy का content है वो कम हो जाएगा बेटा उन repulsions की वजह से, इसलिए oxygen की क्या होगी, less negative होगी as compared to oxygen की less negative होगी, किसके comparison में बेटा, sulfur. समझ गए? Yes sir. बोलो कोई doubt हो तो, लेकिन इसके साथ मैं तुम्हारे को एक और बात बता सकता हूँ, वो जो उसमें अपन ने periodic classification of elements में पढ़ा था, देखो अगले group में पढ़ेंगे हम कि halogens की ज़्यादा होगी more electronegative, तो उसमें भी same वही reason लग जाएगा कि fluorine की less negative हो जाएगी chlorine से. Yes sir. Yes sir. तो बताओ क्यों होती है? तो उसमें भी same reason लगेगा कि fluorine के ऊपर electron density high होगी, लेकिन देखो इससे एक order याद करो इसका, जैसे ग्रुप के एलिमेंट्स ले लो, सेकंड पीरियड के ले लो, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्या ऑर्डर आता है, कौन बताएगा, बताओ बच्चों, सबसे कम किसकी होगी, देखो सबसे कम नोबल गैसेस की बोल सकते हैं, नहीं yes, तो सेकंड पीरियड में सबसे कम नियोन की होगी, क्योंकि उसका फुल्ली फिल्ड ऑक्टेट है, नियोन के बाद बताओ yes, नियोन के बाद बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या ऑर्डर आएगा, नियोन के बाद बेरिलियम सर, नियोन के बाद कौन आएगा बेटा, बेरिलियम, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि बेरिलियम में 2s2 फुल भर गए, यस सर, बेरिलियम के बाद बताओ, देखो बेरिलियम के बाद आता है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर हाफ फिल्ड है, Yes, sir. और नाइट्रोजन के बाद देखो अब लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रही है, तो जिसकी साइज सबसे कम है तो फ्लोरीन के अंदर तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी, तो अब नाइट्रोजन के बीच में कौन बच गए, देखो अब इसके बाद एक तो रह गया अपना लिथियम और बोरोन, अब देखो लिथियम और बोरोन में किसकी ज्यादा होगी, बोरोन की साइज छोटी है, तो बोरोन की लिथियम के कंपेरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, फिर उसके बाद लिथियम, और लिथियम के बाद फिर क्या बच गया अपने पास, इसमें दो रह गए शायद, नहीं तीन रह गए, कार्बन भी, कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, अब इसमें बताओ, इसमें सेम ऑर्डर ये नहीं रहता है, आर्गन, देखो आर्गन के बाद तो सीधी बता सकते हो कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम, बोलो, और देखो यहाँ पे फ्लोरीन के नीचे सीधा रख सकते हैं हम, कौन आएगा यहाँ पे, क्लोरीन, और क्लोरीन से पहले कौन आ जाएगा, सल्फर, और yes, सल्फर से पहले इस ग्रुप में कार्बन था, तो कार्बन के नीचे कौन आ जाएगा, सिलिकन, बोलो बेटा यहाँ तक तो ये तो सेम था पूरा, अब इन तीनों में चेंज था, नाइट्रोजन बोरोन, नाइट्रोजन के नीचे हो गया फॉस्फोरस एल्युमिनियम और सोडियम, फॉस्फोरस एल्युमिनियम सोडियम में, यस सर, बोलो फॉस्फोरस, यस सर, तो इसमें ऐसे याद रखना कि सेकंड पीरियड में देखो नाइट्रोजन के नीचे हिसाब से तुम्हारे फॉस्फोरस आना चाहिए ना इसमें, लेकिन फॉस्फोरस नहीं आता इसमें, आता है एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम बेटा मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया ना एल्युमिनियम का, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी ना, देखो इसके अकॉर्डिंग सीधा बोरोन के नीचे आना चाहिए था ना एल्युमिनियम, लेकिन इसमें ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होने की वजह से इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, अब फिर एल्युमिनियम के बाद देखो कौन आना चाहिए, लिथियम के नीचे सोडियम, तो सोडियम भी ज़्यादा मेटेलिक है, एल्युमिनियम के बाद कौन आएगा, सोडियम, और सोडियम के बाद फिर क्या आएगा इसके अंदर, फॉस्फोरस, अब तुम ये बोलो सर सोडियम भी इजीली इलेक्ट्रॉन, देखो सोडियम और एल्युमिनियम में, सोडियम में तो एस में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा और एल्युमिनियम में पी में एंटर होगा, इसलिए ये एनर्जी का ऑर्डर आएगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैलोजन्स की सबसे हाईएस्ट होगी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, उनके रेस्पेक्टिव पीरियड में, बोलो बेटा, क्योंकि हैलोजन्स तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी उनकी सबसे ज्यादा, उसके बाद देखो नेक्स्ट
और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथाल पे क्या कह सकते हैं, सबसे कम होगी उनके रेस्पेक्टिव पीरियड में, क्योंकि उनका फुली फिल्ड ऑक्टेट है, पूरा भरा हुआ है ना। ये था अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी, फिफ्थ, सिक्स्थ, सिक्स्थ इज एलोट्रोपिज्म। देखो उसमें तो हमने ये कहा था नाइट्रोजन और बिस्मिथ के अलावा, इसमें ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप शो एलोट्रोपिज्म। ऑक्सीजन के एलोट्रोप बताओ, ओजोन, वेरी गुड, एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ एलोट्रोप्स। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी सिक्स, सेवेंथ, मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, यस सर, उस ग्रुप के जैसे है, लेकिन पोलोनियम का टेल्यूरियम से कम होगा, बताओ क्यों, बोलो बेटा, वही सेम उसी वाला रीजन लगेगा। बेटा पोलोनियम के अंदर ये नहीं कह सकते हम कि बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसमें नहीं बताया था बिस्मिथ में, यस सर, तो बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट पोलोनियम विल फॉर्म लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, पोलोनियम विल फॉर्म लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, राइट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से पोलोनियम लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद एट बॉइलिंग पॉइंट, सेम बॉइलिंग पॉइंट में ऑक्सीजन का सबसे कम, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, पोलोनियम का फिर कम हो जाएगा, तो पोलोनियम के अंदर जैसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज कम हो रही थी ना, साइज में जो इंक्रीमेंट कम हो रहा था, तो वैंडरवाल फोर्सेस क्या कह सकते हैं, हम वीकर होंगे बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ फोर एफ इन पोलोनियम, साइज लेस एंड वंडरवाल फोर्सेस एंड वंडरवाल फोर्सेस आर वीकर, इसलिए वंडरवाल फोर्सेस वीक होंगे बेटा, राइट, यस सर, ये बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद नाइन्थ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एलोट्रोपिज्म, कैटिनेशन। देखो कैटिनेशन का रीजन हमने पढ़ रखा है, जिसकी भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी जिससे ज़्यादा, इसका मतलब उसकी सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी अगर जैसे मैं ये बोलता हूँ कि सल्फर की कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, वाई, बिकॉज एस एस सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ, एस एस सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन ओ सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट, यस सर, बिकॉज एस एस सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन ओ सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ, समझ गए बेटा, यस सर। अब जैसे कैटिनेशन मतलब किसी की भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा है, कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड्स, जिसकी ज़्यादा है तो उसकी मतलब सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी बेटा। उसके बाद नेक्स्ट इज ये मल्टीपल बॉन्डिंग। देखो ऑक्सीजन पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएगा, तो क्यों बनाता है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, ऑक्सीजन फॉर्म्स पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, और क्या बोल सकते हैं, स्मॉल साइज एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, अगर डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते तो डी पाई पी पाई बन जाते ना,
यस सर। तो उसके बाद अदर एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स डी पाई पी पाई बनाएंगे बेटा, डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ लार्ज साइज एंड प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, राइट? यस सर। समझ गए, ये मल्टीपल बॉन्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट, बस ये इनकी मैक्सिमम फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई इनकी कवर, फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एक इसके अंदर एटॉमिसिटी और होती है बेटा, एटॉमिसिटी। देखो ऑक्सीजन या तो डायएटॉमिक फॉर्म में होता है या ट्राईएटॉमिक फॉर्म में। ऑक्सीजन या तो O2 की फॉर्म में पाया जाता है, या ओजोन की फॉर्म में, तो O2 की फॉर्म में दो एटम्स है, और उसकी फॉर्म में कितने एटम्स है, तीन है। यस सर। समझ गए। फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो दोनों है ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, गैस की फॉर्म में रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो क्यों एग्जिस्ट करेगी रूम टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि छोटी साइज है, तो स्मॉल साइज होने की वजह से वैन डर वाल फोर्सेस क्या होंगे, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर, वीकर, राइट? स्मॉल साइज की वजह से वैन डर वाल फोर्सेस जो है वो इसके अंदर वीक होंगे, तो वीक होंगे तो ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज वाई दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस एट रूम टेम्परेचर। और जो जैसे रेस्ट एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सल्फर, सल्फर, सेल्यूनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये ऑक्टा एटॉमिक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्टा एटॉमिक मतलब आठ जुड़े हुए होते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम। सल्फर की क्राउन शेप का स्ट्रक्चर होता है, ताज के जैसे, एस एट होता है ना सल्फर, फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यस सर। ये बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज। बताओ केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट उसी ग्रुप से रिलेट करते जाओ, सेम जैसे उसमें पढ़ा था हमने क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे भी इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, फिर उसके बाद स्पेशल कंपाउंड्स और ऑक्सीडेशन। देखो बेटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या शो करता है बताओ। इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन -2 शो करता है किसके अंदर, ऑक्साइड के अंदर, -1 शो करता है पर ऑक्साइड में, O2 2-, और एक -0.5 भी शो करता है ना, -0.5 O2-, सुपर ऑक्साइड। देखो ये तीन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए। अब ऑक्सीजन के पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दो ही शो करता है ये, एक तो OF2 के अंदर +2 हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से तो फ्लोरीन है बेटा बस, और एक O2F2, O2F2 के अंदर क्या हो गया इसका +1, और O2 और ओजोन के अंदर कितना होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, 0। अब देखो रेस्ट एलिमेंट्स, ये तो हो गया ऑक्सीजन के लिए, रेस्ट एलिमेंट्स देखो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी जनरल NS2 NP4। रेस्ट एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होंगे, यस और नो? यस। तो डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, तो देखो अगर ये PP के NP4 के, हम ये ऐसे लिख सकते हैं, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, तो ये दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाता है, ये लूज करता है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मतलब इसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर +2। अब एक इलेक्ट्रॉन इस कॉन्फ़िगरेशन का हो जाए NS2, यहाँ पे ND0 है, NS2 NP3 ND1, देखो एक पी का इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफर हो गया, D पे एक्साइट हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट बन गया, तो बताओ इसमें क्या हो सकता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, +4। एक NS1 NP3 ND2, तो इस एक्साइटेड स्टेट के अंदर 6 अनपेड हो गए, तो क्या हो सकता है यहाँ पे,
प्लस सिक्स। ठीक है बेटा, अब इसमें देखो ये कह सकते हैं कि प्लस सिक्स मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, तो प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउनवर्ड्स इन द ग्रुप डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीजेस? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। डाउनवर्ड्स इन अ ग्रुप stability of plus 6 decreases because of inert pair effect। inert pair effect की वजह से ऐसा होगा। बोलो बेटा क्लियर है ये बात? फिर ये बोल सकते हैं कि जो प्लस प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा कोई भी कंपाउंड, वो प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इन प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट क्या शो करेगा? ये ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करेगा, मतलब एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद का रिडक्शन करा सकते हैं ना। अब देखो प्लस सिक्स से ज्यादा तो जा नहीं सकता, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। और प्लस फोर के अंदर एम्फोटेरिक होगा दोनों, प्लस फोर के अंदर ऑक्सीडाइजिंग की भी तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये प्लस फोर से इसका रिडक्शन भी पॉसिबल है और ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है। तो इन प्लस फोर द एलिमेंट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो देखो SO2 के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर है, तो ये दोनों की तरह बिहेव करेगा, एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी। ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। उसके बाद सेकंड सेकंड प्रॉपर्टी जैसे उसमें पढ़ी थी अपन ने, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, तो बताओ ये भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये MH2 टाइप के हाइड्राइड्स बनाएंगे। वो बना रहे थे MH3 टाइप। होम्स MH2 टाइप हाइड्राइड्स, MH2 टाइप की हाइड्राइड्स बनाएंगे बेटे। अब देखो MH2 टाइप हाइड्राइड्स, जैसे आयरन सल्फाइड ले लिया हमने, ये लैब के अंदर भी बनाएंगे हम इससे। जैसे इसका वाटर का तो क्या होगा, H2O, ये ऑक्सीजन की तो हाइड्राइड H2O होगी, सल्फर की H2S, ओ स्टाइल से H2SC, H2T, ऐसे बनेंगे नहीं बनेंगे। और पोलोनियम की हाइड्राइड अनस्टेबल होती है उसकी रेडियो एक्टिव नेचर की वजह से, तो ये बनाने की कोई भी जैसे मेटल सल्फाइड ले ली MS, सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -2 है और ये M कोई भी मेटल है, तो मेटल सल्फाइड की रिएक्शन कराएंगे हम एसिड के साथ, तो H+ के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास H2S प्लस M+2। तो देखो सल्फाइड बन गई ना ऐसे, हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन और वाटर के साथ बहुत सारी रिएक्शंस बनता है, वैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की डायरेक्ट रिएक्शन करा के बना सकते हैं ऐसे। अब देखो बॉन्ड एंगल इनके अंदर, वही बॉन्ड एंगल की टाइप की बात करें तो ये देखने में तो लीनियर लग रहा है, लेकिन इसके अंदर देखो ये इररेगुलर ज्योमेट्री है। ऑक्सीजन के ऊपर ये सेंट्रल एटम के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, जो M है HH, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की इररेगुलर ज्योमेट्री है, राइट? तो इसके अंदर इररेगुलर ज्योमेट्री है, तो बताओ बेटा क्या होगा इसमें, कि ये जैसे दो लोन पेयर बनाई हमने, तो इन दो लोन पेयर की वजह से क्या होगा इसमें, लोन पेयर रिपल्शन होगा। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? sp3 रेगुलर में कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब देखो वाटर में बॉन्ड एंगल कितना होता है?
104 डिग्री होता है, 104.5 डिग्री, तो सब में इतना ही होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एक वाटर के बाद H2S, H2SE, H2T, तो ये जो H2T है इसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, इनमें और भी कम आएंगे इनके बीच में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, तो इसमें वही रीजन लग जाएगा जो पिछले ग्रुप में लगाया था, बिकॉज डाउनवर्ड्स ई एन ऑफ सेंट्रल एटम क्या होगी? कम। डाउनवर्ड्स ई एन ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, हेंस ईएन ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लाइज अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम से दूर लाई करेंगे, हेंस बॉन्ड्स कम क्लोजर, हेंस बॉन्ड्स कम क्लोजर, बॉन्ड्स नजदीक आ जाएंगे बेटा उसमें, समझ गए? डाउनवर्ड्स ई एन ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, तो ई एन ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज होगी, एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइज अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, हेंस बॉन्ड्स कम क्लोजर, बॉन्ड्स नजदीक आ जाएंगे, ठीक है बेटा? और शेप कैसी होती है इसके अंदर, बेंट और वी शेप, ये आएगा इसमें बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट। अब वही बातें लगाते जाओ, उसमें जो अपन ने हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 में पढ़ा था उन्हीं के जैसे बताओ, जैसे बॉन्ड एंगल की बात करी उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं इसमें, फर्स्ट तो हो गया बॉन्ड एंगल, थर्मल स्टेबिलिटी की बताओ पहले क्या होगी, उसमें पढ़ा था ना थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप 15 हाइड्राइड्स में, बताओ उसमें टॉप टू बॉटम कम हो रही थी थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी थर्मल स्टेबिलिटी, एच टू ओ से एच टू टी तक कम हो जाएगी, राइट? डिक्रीजेस, क्यों डिक्रीजेस बोलो बेटा, जो सेंट्रल एटम है जैसे यहाँ पे एम, जैसे इनको हम बोल रहे हैं एच टू एम टाइप, तो बिकॉज एम एच, एम एच बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, एम एच की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी डाउनवर्ड्स कम हो जाएगी, तो बताओ थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी तो ये दो दूसरी प्रॉपर्टी एक इसी से रिलेटेड है, रेड्यूसिंग पावर, तो बताओ रेड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, रेड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी क्योंकि वो हाइड्रोजन ईजिली दे देगा, yes, तो रेड्यूसिंग पावर एच टू ओ एच टू एस इंक्रीजेस डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स इंक्रीज हो जाएगी इनकी रेड्यूसिंग पावर, तो बताओ क्या होगा, इंक्रीजेस डाउनवर्ड्स बिकॉज एच एच जो है वो हाइड्रोजन ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे जिसका भी रिडक्शन कराना है, क्योंकि उनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। उसके बाद देखो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, देखो उसमें याद करो बेटा मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का सबसे ज्यादा था, yes, तो सेम इसके अंदर वही कंसेप्ट लग जाएगा, देखो मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम H2S का, फिर H2SC, फिर H2SC के बाद H2T और सबसे ज्यादा H2O, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा है, तो क्यों इसका सबसे ज्यादा, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट?
बोलो बेटा। यस सर। सेम बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट पे उसमें थोड़ी सी वेरिएशन है, वहाँ पे कुछ और लगा था बॉइलिंग पॉइंट पे। वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे हमने ये कहा था ना कि अमोनिया का PH3 और ASH3 से तो कम था, और जो SbS3 BiS3 से ज़्यादा कम था, PH3 ASH3 से ज़्यादा था, क्योंकि उसमें वंडरवाल फोर्सेस वीकर हो रहे थे। लेकिन इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम ऑर्डर रहेगा, H2S का सबसे कम, H2SC, H2T, H2O, सेम रीजन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस और नो? यस सर। उसके बाद देखो बेटा, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो ये एक H+ भी दे सकते हैं इजीली, तो H+ दे सकते हैं, तो इनकी वो प्रॉपर्टी पढ़ी जाती है एसिडिक नेचर, मतलब जो कितनी जल्दी H+ दे सकता है। तो देखो ये हाइड्राइड्स हैं, इन हाइड्राइड्स को हम ये कह सकते हैं कि डायबेसिक होंगी, ये 2H+ दे सकते हैं, जैसे H2M है, तो H2M कैसे डिसोसिएट होगा, पहले वीक एसिड है भले ही, लेकिन H+ HM- और फिर HM- डिसोसिएट हो जाएगा इनटू, ये तो हो गया इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 और ये K2 H+ M2-, राइट? Yes, तो ये कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर। बताओ टॉप टू बॉटम क्या होगा, बढ़ेगा? Yes, sir. क्योंकि ये कह सकते हैं के वैल्यू बढ़ जाएगी, तो H2O सबसे कम, फिर H2S, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस बिकॉज के वैल्यू इंक्रीजेस, इसलिए इनके एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी बेटा। और एक इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, वो पूछी जाती है कि ग्रुप 16 की जो हाइड्राइड्स हैं वो वोलेटाइल नेचर की होती है। कैसे नेचर की होती है? वोलेटाइल। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? वोलेटिलिटी मतलब जिसको ईजिली हम वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सभी वोलेटाइल होती हैं। तो लेकिन इसमें देखो H2S तो हाइड्रोजन सल्फाइड तो गैस होती है, सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होती है, फिर H2SC और फिर H2TE। देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक वोलेटिलिटी डिक्रीज हो रही है, वोलेटिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज होगी तो वंडरवाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वंडरवाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन सबसे कम वोलेटाइल वाटर वाटर होगा, तो वाटर का क्या रीजन आ जाएगा बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, राइट? यस सर। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? Yes, उसके बाद जो रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन एंड रिएक्टिविटी विद हैलोजन्स, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके ओके, थैंक यू।